की दम दा भरोसाया दम दा इस जीवन के दिन चार होए इस जीवन के दिन चार दम आवे नया वे दोनों हाथ उठा करके की दम दा भरोसा Thank you.
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज से ही पैसा कमाना बंद कर, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कल आकर के कथा में चढ़ा दो, ना ना ना, जो है उसको खूब बढ़ाओ, पर प्रेम पैसों से नहीं, प्रेम तो परमात्मा से करना चाहिए। इसलिए बगल वाले उठा दो ना हाथ, सब रखा रह जाएगा। तुम्हारी पत्नी ही दरवाजे तक का साथ देगी, आगे नहीं आएगी। ये तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी शमशान तक साथ देंगे, आगे नहीं आएंगे। ये जिस काया के ऊपर तुम इतना खर्चा कर रहे हो ना, ये काया भी जब तक आग नहीं लग गई तब तक साथ देगी, आगे ये भी नहीं आएगी। इसलिए साधक कहता है, दोनों हाथ उठाओ, ओ माया दातु करना, गुमान कोई मूर्खा, माया दातु करना, गुमान कोई मूर्खा, धरी रह जाएगी शान कोई मूर्खा, धरी रह जाएगी शान कोई मूर्खा। परमात्मा का बुलावा
आएगा ना, संसार का तुम्हारा पद तुम्हारा रुतबा कुछ काम ना आएगा। जब सिकंदर मरा उसने अपने दोनों हाथ बाहर करने की शर्त रख दी थी, पहले ही लिख दिया था कि मैं जब मरूं मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, और उसने लिखा कि मैं जब मरूं मुझे जितने वैद्य देखते रहे चिकित्सक उनको मेरी अर्थी पर कांधे पे लगाना। किसी ने कहा कि क्यों? सिकंदर ने कहा मैं जब मरूं तो दुनिया को यह पता लगना चाहिए कि मेरे जैसा अमीर सिकंदर भी हाथ में कुछ लेकर के नहीं गया। सिकंदर ने कहा कि चिकित्सकों को और वैद्यों को मेरी अर्थी में साथ में लगाना। किसी ने पूछा ये क्यों करना है? सिकंदर बोला ताकि दुनिया को ये पता लग जाए तुम कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी डॉक्टर रख लो, जब उसका बुलावा आता है तो कोई हाथ नहीं लगा पाता। साधक कहता है नाम दा खजाना फिर काम नहीं आवेगा, नाम दा खजाना फिर काम नहीं आवेगा, उसका बुलावा जनो दास तेनु आवेगा, उसका बुलावा का कोई ठिकाना